हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाखा। दिस इज डे टू ऑफ माय ट्रिप। रेडी होकर हमने किया केरला का मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट, दैट इज़ पुट्टू एंड कडला करी। सो कडला करी इज़ बेसिकली जो हम चना खाते हैं, काला चना। दिस इज़ वेरी पॉपुलर हेयर एज अ ब्रेकफास्ट। देन हम लोग निकल गए फॉर एडिकल केव्स। हमारे स्टे से कुछ अराउंड 30 किलोमीटर्स था एडिकल केव्स, एंड विच वॉज अ 1 आवर ड्राइव। अगेन बहुत ही अच्छे सीनिक व्यूज़ थे रास्ते में, बहुत ही अच्छा प्लांटेशन था। सो जो जर्नी है वहाँ पहुँचने की वो भी काफ़ी अच्छी थी। एंड ये लोकेटेड है ऑन द अम्बुकुटी हिल्स। एडिकल केव्स की एक सीक्रेट स्टोरी भी है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि लॉर्ड रामा ने इस माउंटेन पे एक बाण चलाया था, जिसकी वजह से ये एक डीप फिजर क्रिएट हुआ है। इसको हम लोग बोल रहे हैं एडिकल केव्स। एंड ऑल्सो एडिकल केव में माना जाता है कि पुराने जो स्टोन एज के लोग थे वो रहा करते थे वहाँ पे। स्टोन एज के टाइम की ये जगह है। एंड यहाँ पे आपको स्टोन एज कार्विंग भी मिलेगी, जो कि आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ पॉपुलर फॉर। एंड एडिकल का मतलब होता है स्टोन इन बिटवीन। हम लोगों ने गाड़ी बाहर पार्क कर दी थी एंड देन हम लोगों ने टिकट्स लिए। सो यहाँ पे एंट्रेंस के टिकट हैं एंड देन हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो काफ़ी स्टीप था ऊपर जाना, सो इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। सो अगर आप कुछ एडवेंचर के लिए ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर तो मिलेगा ही विद द हिस्ट्री। सो इधर टाइमिंग है 9:30 से 4:30 का, उसी बीच में आपको अलाउ करेंगे। सो अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर, एंड ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। और ये जो आप स्टोन्स देख रहे हो, पूरा रास्ता ऐसा ही है। और जब आप पूरा ऊपर पहुँच जाओगे, फिर आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल स्टेयर्स मिलेंगी। एंड जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन काफ़ी रश था। लुक एट दिस, ये एंट्रेंस के लिए लाइन लग रही है। एंड इट वाज नॉट इजी टू रिकॉर्ड बिकॉज थोड़ा सा एडवेंचर था, तो मैं जहाँ जहाँ रिकॉर्ड कर पाई वहाँ वहाँ मैंने रिकॉर्ड किया, बिकॉज एवरी टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल, तो मैं गिर जाती। सो दिस इज़ द एडिकल केव्स व्यू। एंड ये एक अलग सेक्शन था, सो अलग अलग पोर्शंस बने हुए थे जहाँ पे आपको स्पॉट्स मिल रहे थे। यहाँ पे काफ़ी कुछ कार्विंग हुई हुई थी, वो सब कुछ देखने का था यहाँ पे। आफ्टर दिस हम लोग निकल गए फॉर सुचिपारा वाटरफॉल्स। एंड अगेन इट वॉज़ अ 1 आवर ड्राइव फ्रॉम एडिकल केव्स। एंड जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बताया गया कि इट इज़ क्लोज फॉर टुडे। एंड रीज़न पता नहीं था, बट उस दिन क्लोज था। सो समबडी सजेस्टेड कि यहाँ पे पास में एक व्यू पॉइंट है, आप वहाँ जा सकते हो, विच वॉज़ अगेन 4-5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सुचिपारा वाटरफॉल्स। सो वी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट द डे एंड गो देयर। सो अब हम वहीं जा रहे हैं। एंड रास्ता थोड़ा सा ऑफ था, बट द नेचर अराउंड अस वॉज अमेजिंग। हम लोग पहुंच गए अटामला व्यू पॉइंट एंड यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क करी एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लेस। एंड वहाँ से पहुंच के हमने थोड़ी देर व्यू इन्जॉय किया। सो थोड़ा सा चलने के बाद हम लोगों को पहुंचना था ये जो पॉइंट आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से पूरा व्यू एंजॉय करना था। एंड हेयर आई एम एट दिस प्लेस एंड दिस वाज सच अ मेस्मराइजिंग व्यू टू वॉच एंड टू फील। चारों तरफ ग्रीनरी, एवरीथिंग वाज ग्रीन अराउंड मी एंड इट वाज सो प्लीजिंग टू आईज। इट वाज रियली कामिंग एंड पीसफुल प्लेस। ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पे, सो दैट्स द रीज़न वी रियली इन्जॉयड दिस प्लेस। एंड ऑल्सो सनसेट होने वाला था, सो वी ऑल्सो इन्जॉयड दैट। सो हम लोग निकल गए फॉर आर होम स्टे, बट वी हैड ऑल्सो प्लान्ड वन मोर थिंग। रास्ते में ज़िपलाइनिंग हो रहा था, सो हम लोगों ने सोचा था लौटते टाइम डेफिनेटली करेंगे। सो वी स्टॉप्ड हियर एंड हम लोगों ने पता किया, तो पता लगा कि द टिकट्स आर फुल नाउ, नाउ दे आर नॉट गिविंग द टिकट्स। सो हम लोग ये नहीं कर पाए। यहाँ पे दोनों टाइप की ज़िपलाइनिंग हो रही थी, साइकिल वाली भी एंड द बेसिक रेगुलर वन वॉज ऑल्सो हैपनिंग। सो ज़िपलाइनिंग तो नहीं कर पाए, बट यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने मैगी इन्जॉय करी एंड देन हम लोग निकल गए फॉर आर होम स्टे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया एंड रिलैक्स किया। दिस वॉज इट फॉर द डे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।